देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले दो हफ्तों में मरीजों का आंकड़ा दोगुना से अधिक हो गया है। 13 मई 2020 की अगर बात करें तो देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 74,281 थी, जो अब बढ़कर 1.5 लाख से अधिक हो गई है। वही 13 मई तक 2,415 लोगों की मौत हुई थी, जो अब 4,337 हो गई है। 13 मई के आंकड़ों की बात अगर करें तो उस दिन 3,525 नए केस सामने आए थे और 122 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 74,281 हो गया था, जिसमें 2,415 लोगों की मौत हुई थी। 13 मई तक कोरोना से जंग जीतने वालों का आंकड़ा 24,385 था। वहीं आज यानी कि 27 मई के आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में कुल मरीजों की संख्या 1,51,667 है, जिसमें से 4,337 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं 64,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,387 नए मामले सामने आए हैं। 170 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 20 मई से देश में कोरोना के हर रोज 5,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। 24 मई को 6,767, 25 मई को 6,977, 26 मई को 6,535 और 27 मई को 6,387 नए मामले सामने आए हैं। यानी कि दिन ब दिन नए मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है।